हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम बैक टू अगेन विथ अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे फैक्ट पिटबुल्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो यार बिना टाइम फूले वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि हमारे चैनल पर चल रहा है एक बहुत ही अच्छा गिव अवे जिसमें आप जीत सकते हो बहुत सारा पेटीएम कैश। तो गिवअवे के बारे में जानने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक डॉग लवर हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन यार उसे भी प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो यार उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो बिना टाइम थोड़े यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले फैक्ट की ओर। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पिटबुल काफी ज्यादा हट्टे कट्टे मस्कुलर डॉग होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता यार। पिटबुल काफी पतले दुबले लेकिन मस्कुलर होते हैं, और इनका एवरेज वेट 25 से लेकर 30 केजीज के आसपास होता है। तो ये था यार पहला फैक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फैक्ट की ओर। तो दूसरा फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं यार कि पिटबुल काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो किसी को भी देख के हमला कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। पिटबुल ह्यूमंस के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, बट ये एनिमल के साथ थोड़े बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे फैक्ट की ओर। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पिटबुल्स का बाइट फोर्स काफी ज्यादा होता है और वो एक बार किसी को पकड़ ले तो वो आसानी से नहीं छोड़ते, पर यार ये बात काफी हद तक गलत है क्योंकि यार पिटबुल का जो बाइट फोर्स होता है वो जर्मन शेफर्ड और रॉटविलर से भी कम होता है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे फैक्ट की ओर। तो यार ये ऐसा फैक्ट है जो मुझे भी नहीं पता था, जो अब जाकर मुझे पता चला। तो यार ज्यादातर लोगों को पता होता है कि अमेरिकन पिटबुल का ओरिजिन अमेरिका से है, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिकन पिटबुल का ओरिजिन इंग्लैंड से है, वहां पे से बुलडॉग को दूसरे टेरियर डॉग के साथ क्रॉस करा के बनाया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी फैक्ट की ओर। आज भी काफी सारी जगहों पर पिटबुल डॉग का यूज डॉग फाइटिंग के लिए किया जाता है, और वहां पे ये तब तक लड़ते हैं जब तक किसी एक डॉग की मौत नहीं हो जाती। तो यार काफी सारे लोग सोचते हैं कि पिटबुल डॉग को पेन फील नहीं होता, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। पिटबुल डॉग को भी पेन फील होता है, लेकिन ये अपने ओनर के ऑर्डर के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि अपना पेन जो है वो भूल जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। तो आई होप यार आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो यार इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यार प्लीज चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही रोजाना वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।